नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सफेदो क्राफ्ट में। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसका मेन रीज़न यही है कि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ दिवाली के आइटम को लेके। एक वीडियो मैं बना रहा था तो वो अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ। वो वीडियो बाद में आएगा क्योंकि अभी उसका काम कुछ पेंडिंग है। तो उससे पहले आज मैं जो आपके लिए लाया हूँ वो है आपके लिए ये। हम नियोन साइन बोर्ड कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है? पहले हम इसके बारे में बातें करते हैं। ये हमने एक एक्रेलिक शीट के ऊपर बनाया है जो कि इसका बेस है। हमने एक एक्रेलिक शीट से कट किया है, ठीक है? ये ट्रांसपेरेंट शीट है, एक्रेलिक 5 mm शीट है और हमने इसको A4 साइज के अंदर ही बनाया है। तो दोस्तों, जिसके पास छोटी मशीन है, क्योंकि मार्केट में छोटी मशीन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसके पास छोटी मशीन है वो भी इसको बना सकते हैं। जिनके पास बड़ी मशीन है वो इसको बड़े साइज पे बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? इसके लिए हम सबसे पहले चाहिएगी चाहिएगी ये नियॉन लाइट। एक मार्केट में नियॉन लाइट आती है, ये इसमें कलर आपको कोई भी मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये स्ट्रेचेबल होती है, आप इसको कैसे भी फ्लेक्सिबल होती है, इसको कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हो, वो ये कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ऐसे ही काम करती रहेगी, ठीक है? तो ये आता है, इसका पैक भी आता है, मीटर के हिसाब से भी आती है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं, कहीं से भी खरीदें, कोई इशू नहीं। दूसरा, इसको जब आप तैयार करते तो इसके लिए आपको एक बेस चाहिए। ज़्यादातर आपने किसी भी डिज़ाइन में देखा होगा वो है एक्रेलिक बेस। एक्रेलिक बेस वो भी ट्रांसपेरेंट बेस इसमें मिलता है। उसका रीज़न ये है कि इसके आर पार आप देख सकते हो, और जब ये डिज़ाइन कहीं आप लगाते हो तो उसको पीछे का बैकग्राउंड भी दिखता है और ये शेप ऐसे दिखती है। आप चाहो तो पीछे का कोई भी डार्क बैकग्राउंड ले सकते हो और उस पर भी आप इसको बना सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। दूसरा, एक ये जो आती है आपके उस जो नियोन होती है, ये भी मल्टीपल साइजेज में आती है। अब ये मेरे पास जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 mm का है, ठीक है? 5 mm के इसमें आपको करना क्या है कि 5 mm का ही आउटलाइन इसमें तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास इससे बारीक है तो आपको बारीक आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो पहले हम इसका डिज़ाइन समझते हैं कैसे बनता है, और डिज़ाइन के बाद हम आपको बताएंगे ये प्रैक्टिकल में कैसे बनता है, कैसे इसके कनेक्शन होंगे, कैसे आपको इस पे स्ट्रिप पे इसको लगाना है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हम अब कोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हम आपको बताऊंगा कि इसका हमें डिज़ाइन कैसे करना है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर दिया है, आप एक रेक्टेंगुलर सॉरी एक सर्कल ड्रा करेंगे, और सर्कल ड्रा करने के बाद आपको इसका हाइट कितना रखना अपने मशीन के साइज के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो से देख के आप लोग जो जिनके पास छोटी मशीन है A4 की, तो वो भी बना सकते हैं। और ये डिज़ाइन बनाना अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। इसमें बहुत सी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कोई भी एक इसका लेना पड़ेगा। ये मैंने PNG से एक ओम बनाया है, PNG से एक ये मैंने लाइनें कैसे बनाई मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को अगर देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि एक बार उन वीडियो को देखे, उनसे आपको पता चलेगा ये सब कैसे होगा, ठीक है दोस्तों? तो एक हमने ये बनाया है, पहले हमें इसका साइज एडजस्ट करना है इसके हिसाब से, ठीक है? साइज एडजस्ट करने के बाद हम इसके अंदर होता क्या है कि दोस्तों, हमारी जो मैंने अभी आपको नियोन की स्ट्रिप दिखाई है, नियोन की जो लाइट होती है उसकी विड्थ 5 mm है मेरे पास, उससे कम में भी आती है। 5 mm मिनिमम और स्टैंडर्ड साइज है, 5 mm का चलता है। तो हमें इसके लिए 5 mm का आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि हम उसी आउटलाइन के अंदर उसको लगाएं, ठीक है दोस्तों? तो अभी इसका हम आउटलाइन तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले सर्कल का आउटलाइन करते तैयार, हम कंट्रोल करेंगे कैसे लेना है, मैंने आपको बताया था पहले भी। आप इफेक्ट में जाके कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल की कमांड आ जाएगी, ठीक है? कंट्रोल की कमांड करने लेने के बाद आपको करना क्या है कि अपने साइज को आप इधर mm में लेंगे, और जिसको भी आपको कंट्रोल करना है उस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट को, ये हाईलाइट हो जाएगा। अब आपको हमें चाहिए इसके अंदर, तो इनसाइड वाले पे आप क्लिक करेंगे, 5 mm सेट करेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका आउटलाइन क्रिएट हो गया। ऐसे ही दोस्तों, आपको ये वाले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और अप्लाई कर देना है। ये आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई कर देंगे और ये आपका
डिजाइन हो गया तैयार, ये हो गया कंट्रोल का तैयार। एक बात को आपको ध्यान रखना है कि जहां ऐसे कॉर्नर है उनका आपको मिनिमम लेना है कि ज्यादा आप उसे कॉर्नर को ना ले। जैसे कि ये इधर मिल रहा है तो 5 mm का स्ट्रिप है, ऐसे ही घूम के मिलेगा, तो इन साइजेस को आपको करना है एडजस्ट। ठीक है, अभी आप चाहे तो इसको राइट क्लिक करके ग्रुप अपार्ट करेंगे कंट्रोल को और उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो ब्रेक अपार्ट करते हैं। और ये है जैसे, तो आप इसको ये वाला टूल लेंगे और इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से कि आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको बाहर ध्यान रखने की, यहाँ से आपकी जो है लाइन गुजरने वाली है, वो स्ट्रिप गुजरने वाली है, और यहाँ से 5 mm का दायरे में जो घूमेगी तो इससे और इस स्ट्रिप की दूरी बनी रहे, तो वह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल गया है, तो इन सब गैप को आपको एडजस्ट करना अपने डिजाइन में। उसके लिए आपको दोबारा क्या करना है, ये करने से पहले भी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अपने वैसे ही डिजाइन पे आ गया। उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने डिजाइन को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है, और जैसे मैंने इसको किया एक अपार्ट और मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और मैंने इसको हल्का सा छोटा कर दिया है। ठीक है, छोटा करके हम अब इसको सेट कर देंगे। ऐसे ही अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अपने कंट्रोल के हिसाब से, ताकि ये सब आप लाइन आपस में मिले ना। अगर ये मिल गई तो आपको होगी प्रॉब्लम, आपको आप जब कंट्रोल करेंगे तो आपका जो कंट्रोल अप्लाई होगा इधर से वापस में मिल जाएगा। आप देखिए जैसे हमने एडजस्ट किया है तो 5 mm की आपको आराम से लाइन मिल रही है इधर पे और आपका ये मिल नहीं रहा है। ठीक है, अगर कहीं से आपको कॉर्नर दिखता है कि वो मिल रहा है तो आपको उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल कर देंगे। कंट्रोल करने के बाद आप ये देखेंगे आपका डिजाइन हो गया तैयार। इस डिजाइन में इतना ही हमें करना था, इससे ज्यादा इस डिजाइन के अंदर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो आप आउटलाइन तैयार कर रहे हो वो आपकी जो स्ट्रिप है उसी के साइज की हो। ठीक है, इससे आपको आइडिया मिलेगी कहाँ से आपको उसको घुमाना है, और वही शेप आपको तभी मिलेगी जब आप इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको करना है इसको कंट्रोल जी और कंट्रोल ई करके हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, उससे पहले को आपको बता दूं, ये हमने सिर्फ एक बेस बनाया है जिसको मैक्रेलिक पे करेंगे, उससे अलग मैंने इसको किया कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, उससे अलग एक आपको बनाना है इसके लिए हैंगिंग के लिए। ठीक है, आप हैंगिंग के लिए एक वो बनाएंगे जिसमें आपको अगर कहीं इस पे नेल पे इसको टांग रहे हैं तो ये आसानी से उधर लग जाएगा आपका। मैंने एक शेप बना लिया, अब आपको करना क्या है कि एक सर्कल लेना है। सर्कल का साइज कील के हिसाब से आप ले सकते हैं, हाईएस्ट 6 से 7 mm में आपका सब नेल क्लियर हो जाएगा, और अगर आप ज्यादा भी इसको करना चाहते हैं तो उसको ज्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपको रेक्टेंगुलर लेना है, ड्रॉ करना है ऐसे। ड्रॉ करने के बाद इन दोनों को आपको करना है सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको सिलेक्ट करके, बॉक्स को सिलेक्ट करके आप इसको ऊपर से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ठीक है, ये कर्व करने के बाद आपको इसको कर देना है ऊपर। ठीक है, अब आपका ये हो गया तैयार। अब आप इसका लोकेशन सेट करेंगे जहां आपको इसका रखना है। ध्यान रखें ये और ये गैप बना के रखें, क्योंकि ये एक्रेलिक का अगर यहां से टूट गया तो ये हैंगर खराब हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट करना है। अब हम इसको कमांड देते हैं सेंटर की, और ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब हमारा ये डिजाइन रेडी है, और अब इस डिजाइन को हम कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हम इसको PLT में सेव करेंगे, और PLT में सेव करने के बाद हम इसको अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे। इस तरह इस बार भी हमने पहले पेपर पे कट किया है। पेपर पे कट करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका आइटम कहां से कहां तक कटेगा, और आप अपनी मशीन में अपनी शीट को सेट कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसको पेपर पे कट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सेट करते हैं अपनी शीट को।
अब देखिए ये जो कट हो गया है वो इसका जो mm है हमने 5 रखा है ताकि हमारी स्ट्रिप में आसानी से लग जाए। हमारी स्ट्रिप 5 mm की है और 5 mm की स्ट्रिप में ये आसानी से लग जाएगा और इसमें जो आपको लगाना है आपको इसका आउटलाइन पता चल जाएगी कहाँ से कहाँ तक लगाना है। ठीक है, अब आपके पास एक सर्कल मिल गया, आपको गैप है, इस गैप में आप अपनी शीट को सेट करेंगे। अब देखिए हमने शीट को, ट्रांसपेरेंट शीट है, इसको इसके ऊपर सेट कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा वेस्टेज कम से कम होगा। अगर आप सिंपली सीधा लग जाते कट करने तो हो सकता आप सेंटर से कट करते और दोनों साइड से आपका जो है वेस्टेज ज़्यादा निकलता, और जबकि अगर आप एक साइड से आपका कोई पीस बचेगा तो उसका आप दूसरे आइटम में उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इस पर आउटलाइन ले लेते हैं। ध्यान रहे आप सिर्फ आउटलाइन ले रहे हैं तो पावर को ज़्यादा ना बढ़ाए, आपको सिर्फ मार्क चाहिए ताकि आप अपनी नियॉन स्ट्रिप को उस पर लगा सके और वो निशान आपको कम पावर में ही मिल जाएंगे। इसके लिए आप स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं, आप 16, 17, 18 ऐसे स्पीड रख सकते हैं, तो पावर रख सकते हैं, और स्पीड आप 30 से 35 रखेंगे तो उसका इम्प्रेशन जो है आ जाएगा और आपका सीट जो है वेस्ट नहीं होगा। अब ये देखिए जो मार्क हमें चाहिए था वो आउटलाइन इस पे आ गया है। अब हमें सिर्फ इसका आउटलाइन कट करना है और मैं आपको अभी बताता हूँ उसको कैसे कट करेंगे। हमें अंदर का कोई भी आइटम कट नहीं करना है, हमें सिर्फ आउटलाइन कट करना है। तो हम आउटलाइन को देखते हैं कैसे कट करते हैं। आउटलाइन को कट करने के लिए आपको इस पे राइट क्लिक करना है और इसको अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप जैसे आप करेंगे तो इधर में आप देखेंगे बहुत सारे आपको लेयर आ जाएंगे, इसका मतलब आपका आइटम अनग्रुप हो चुका है। अनग्रुप होने के बाद आपको ये वाला आइटम सेलेक्ट करना है आउटलाइन और इस को कट के लिए कमांड दे देना है। अब आप देखेंगे जब प्रीव्यू आपको दिखाएगा तो आपको सिर्फ सर्कल है जो इसका मेन आउटलाइन है वही दिखाएगा और उस पर आप कमांड दे देंगे। मेरा 5 mm का एक्रेलिक है शीट है यूज कर रहा, तो मैं इसके लिए 5 और 45 का स्पीड और पावर यूज कर रहा हूँ और मैं उसको कट की कमांड दे रहा हूँ। अब ये देखेंगे हमारा शीट कट गया, हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए जो पेपर रखा था उसकी वजह से हमें कितना बेनिफिट हुआ है कि ये वाला शीट है जो पोर्शन है अब इससे हम कोई और आइटम बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं और हमारा वेस्टेज जो है मिनिमम निकला है। आप देखेंगे ठीक है, तो आप जब भी काम करते हैं क्योंकि शीट बहुत कॉस्टली होता है तो वेस्टेज आपको मिनिमम रखना है। और एक ये जो ट्रांसपेरेंट शीट आपको दिखाता हूं अब ये कट गया, अब इस पर अच्छे से इनग्रेव हो गया है। अब तो आधा बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ जहाँ आउटलाइन है वहाँ आपको स्ट्रिप लगाना है। अब हम आपको वो भी दिखाते हैं कि कैसे लगेगा। ये देखिए प्रॉपर बन गया है ये, अब हम इसको नियॉन लाइट लगाते हैं। जब आप ये कट करते हैं और कट करने के बाद आपको इसको एक बार अच्छे से कपड़े से वॉश कर लेना है, क्योंकि जब ये कटता तो ये देखेंगे इसके ऊपर निशान है कुछ, और जब इस पर स्ट्रिप लाइट लग जाएगा तो नियॉन लाइट लगने के बाद आप इसको ठीक से क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो पहले से ही क्लियर कर लें। तो हम एक बार इसको क्लीन करते हैं और फिर लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास एक पिंक कलर का है तो अब हमें इसको ही लगाएंगे और आप ये देखेंगे जैसा कि मैंने बोला था इसका जो नीचे का ये है और ये रबड़ है, फ्लेक्सीबल होता है, आसानी से आप इसको कहीं से भी मोड़ना चाहो तो मोड़ सकते हो और वह ख़राब नहीं होगा। तो ये वाला लाइट हम इस पर लगाएंगे और इसका हाइट 5 mm, तो इसलिए हमने जो ये आउटलाइन है ये 5 mm तक तय रखी है। हम 5 mm इसको बनाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पर लगाना। देखिए आपको इसको लगाना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला स्ट्रिप है ये 5 mm का है और आपको इसको ऐसे लगाना है और LP से इसको फिक्स कर देना है।
आप ऐसे इसको लगाते चलेंगे, आउटलाइन से बाहर नहीं जाने देंगे और यहाँ से लगाएंगे स्टार्टिंग में। और आपको एक बात बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, आप जो एल्फी यूज़ करेंगे उसका नोज़ल बारीक होना चाहिए ताकि ज़्यादा एल्फी ना निकले। अगर वो निकला तो पीछे जो एक्रेलिक है इस पर गिरेगा और वो फिर बाद में गंदा लगेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और आपको यहाँ से आप किसी भी सीरीज से स्टार्ट करें और ये फ्लेक्सिबल है, आप इसको लगाते लगाते ऐसे इसको राउंड करेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा लगाने में क्योंकि एलपी से यूज कर रहे हैं आप और थोड़ा सा उसको सावधानी से आप करेंगे तो पहली बार में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद आप आसानी से बना पाएंगे। तो ऐसे शेप आप इसको बना देंगे। बनाने के बाद ये देखिए, उसके बाद जब आपका राउंड होकर घूम के आएगा तो लास्ट सिर आपको कट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगा। देखिएगा कि ये जो है डबल वाला डिज़ाइन और हमने इस पर स्ट्रिप ऐसे लगा दिया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे जाके ये ख़त्म हो गया है और हम इसको और इससे ज़्यादा घुमा नहीं सकते, तो ये वाला कॉर्नर हमको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद हम फिर अलग डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उनके हमें वायर से कनेक्शन करने होंगे, ठीक है। तो आप वो सब देखना कैसे कर रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना है, अब इसको कट करना है। एक और मैं बता रहा हूँ आपको, जब यहाँ से आप जैसे इसको घुमा रहे हो, इन दोनों का गैप कम है तो ये आपस में मिलेगा ही मिलेगा 5 mm में, तो जब आप इसको घुमा रहे हो इधर से तो थोड़ा मुश्किल होता है, हल्का सा हार्ड आपको लगेगा। तो आप नोज प्लास यूज़ कर सकते हैं उसके लिए या नॉर्मल प्लास यूज़ कर सकते हैं, पकड़ के आपको उस पर एलपी लगा देना और ये आपका लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से इसको कट करते हैं और कट करके हम इसको यहाँ लगा देंगे, इसके दो कनेक्शन रखेंगे अलग से निकाल के, और फिर हमें एक इधर का एक सर्कल बनाना है और फिर हम ऐसे ही बाकी का बनाएंगे। तो मैं एक बार बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगा। आप लोग देखेंगे कि मैंने इस पे लगा दिया है और ये जो कॉर्नर अभी मैंने छोड़े हुए हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी इसके वायर से कनेक्शन करने बाकी हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हम करेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको मैं सीधी बात बताता हूँ, आपको ध्यान देना है कि जो इसकी अपर कि जो आपकी नियोन स्ट्रिप है और जिसकी अपर साइड है तो इसका पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो लोअर साइड होता है ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। तो आपको ऐसे ही अपर साइड से, अगर आप वो भी नहीं समझना चाह रहे तो आपको अपर साइड से अपर और डाउन साइड से डाउन वाला जो नीचे का है उन दोनों को आपस में जोड़ना है और जो सेंटर पॉइंट है आप एक जो भी सिरा बनाएंगे उस सिरे से आप सीरीज टाइप में इसको जोड़ते चलेंगे। कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ से आप पावर देना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से आप अगर फिर यहाँ पावर देंगे और फिर आपको यहाँ भी पावर देना है और यहाँ भी पावर देना है, तो आपके डिज़ाइन में डिपेंड करेगा कि कहाँ से आप कैसे दे रहे हैं, ठीक है। उसका भी हम करेंगे सोल्यूशन, मैं बताऊँगा आपको कैसे देना है, ताकि क्योंकि ये जो बन रहा है इस पर अगर आप वायर लगाते हैं तो वो भी अलग से ना दिखे, उसको भी हमें कम दिखाना है और मेनली हमारा पर्पज़ है इसी को दिखाना है। और लाइट जलने के बाद भी यही दिखता है, बाकी कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। तो हम एक बार इसका कनेक्शन करते हैं। इन सब पे हमें आपको आयरन की मदद से दो दो पॉइंट निकालने हैं, फिर उनको हम आपस में ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसके सब कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको इधर से कुछ दिख रहे होंगे, ये देखिएगा, ये इधर से कनेक्शन गए हैं, इधर से हमने टोटली इसको सीरीज में किया है, सीरीज में हमने इसके कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अभी मैंने जैसे बाद में कनेक्शन किए हैं तो आप इसके कनेक्शन पहले से ही करें, उसके बाद मतलब आपको जो इनकी वायर होती हैं सीरीज वाली वो दोनों सिरों की निकाल के रखनी है, आगे पीछे जो होते हैं दोनों इसके हेड होते हैं इनसे आपको निकाल के रखनी है, तब आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। क्योंकि कई बार होता है जैसे कि ये देखिएगा, अब यहाँ पे ना एक वाला लाइट, ये इधर एक लाइट है जो कि ठीक से जल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पहले से कनेक्शन करने हैं और नियॉन साइन आपका ऐसे बन जाएगा। दूसरा है, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने कनेक्शन किए हैं, मैंने इसमें ब्लैक वायर का यूज़ किया है। उसका मेन रीज़न यही है कि जो आप फ्रेम देखते हो आपको उसमें वायर दिखाई नहीं देगी और उसमें भी आपके कनेक्शन होते हैं, ऐसे ही कनेक्शन होते हैं, बस उसमें वायर का कलर अलग होता है, ऐसा कलर होता है कि आपको दिखाई देता नहीं। कुछ ट्रांसपेरेंट तरह की वायर आती है, आप उसको वो यूज इसमें कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप कोई भी वायर यूज करेंगे तो जब ये जलता है तो वायर दिखाई देगी नहीं। अब जैसे ये देखेंगे तो ये बना है, तो एक ये ट्रांसपेरेंट तरह की इसमें लगती है, ये ट्रांसपेरेंट तरह की आती है, तो एक्रेलिक पे इनका इफेक्ट आपको देखेंगे कि ये जाके गायब हो जाएगा, जब आपको दिखेगा ही नहीं जब इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो कम इफेक्ट हो जाता है उसका,
तो आप वैसी वायर भी यूज कर सकते हो। ये वाला हमने किया, अभी हम इसको फाइनल करेंगे। फाइनल करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बना। एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी मैं इसको ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये जो न्यून लाइट है, ये न्यून लाइट 12 वोल्ट के अडैप्टर से चलती है। 12 वोल्ट का आपको अडैप्टर चाहिएगा इसको चलाने के लिए। अगर वो एसी से ये चलती नहीं है, एसी वाली स्ट्रिप जो होती है वो अलग आती है, वो न्यून में आती ही नहीं है। आपको न्यून मिलेगा ही नहीं, न्यून डीसी मिलेगा। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आप डीसी ऑपरेटेड जगहों पर भी उसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा अभी हम इसको फाइनल एक बार फिनिश करते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, अभी हमने खाली सर्कल काट कट किया है। अब चाहो तो डबल साइड टेप अगर मजबूती कोई वाली हो तो उससे इसको पेस्ट कर सकते हो, पर क्योंकि जिसमें वेट हो जाता है, क्योंकि 5 mm की तो हमने एक्रेलिक शीट ही यूज़ की, उसके बाद नियोन भी है, तो आपको इसमें एक हैंगर बनाना होगा जो कि आप यहाँ इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद ये ऐसे हैंग होगा। ठीक है, तो हम इसका एक हैंगर कट करते हैं और साथ ही साथ इसको फिनिश एक बार कर देते हैं। अभी जस्ट हमने कनेक्शन किया है। ठीक है, तो हम इसके एक बार कनेक्शन कर देते हैं। एक और बात आपको बताता हूँ, नियोन लाइट के जब हेड में आपको हेड आता है तो उसमें एक आपको ये वाला फीमेल जॉइंटर होता है। ये दिखाता हूँ आपको, ये वाला फीमेल जॉइंटर होता है जिसमें अडैप्टर लगता है। ये आप अलग से अगर मंगवा के रखेंगे तो बेस्ट है। ठीक है, ये वाला अडैप्टर में इनके पिन होती है और इसमें लग जाती है। अभी मैंने चेक करने के लिए इसका बना रखा था, क्योंकि इसमें मैंने कनेक्टर अभी लगाया नहीं था, तो मैंने वायर से कनेक्ट करके इसको चेक किया है। साथ के साथ चेक करता गया हूँ कि कहाँ से जल रही कहाँ से नहीं। ठीक है, तो वैसे अगर आप कनेक्शन सब अच्छे से करेंगे तो एक ही बार में आपकी जो न्यून लाइट ये जल जाएगी। कनेक्शनों का आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस का अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का आप ध्यान नहीं रखते तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला जॉइंटर है वो जो जॉइंट है ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से आपको लगाना है और आपका ये बन जाए। ठीक है, तो एक बार हम फाइनल फिनिश करते हैं इसको और फिर दिखाते हैं कैसा बना। फाइनली हमारा ये डिज़ाइन तैयार है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब देखेंगे आप इसमें इधर, तो दिखाता हूँ कि हल्का सा इसका आउटलाइन से अभी दिखे तो ये अंदर है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना आप जब आप इसको करते हैं करो तो बिल्कुल टर्न ऐसे करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टाइट होती है और आसानी से मुड़ती नहीं है इतनी। ठीक है, आपको अगर कोई शेप बनाना तो वो बन जाएगा, कर्व हो जाएगा, पर अगर आपको बिल्कुल एज टू एज उसको अगर आप मोड़ने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपको प्लास या नोज प्लास आपको यूज करना पड़ेगा और उसी से आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारा नियॉन लाइट अभी तैयार है। इसमें मैंने ऊपर हैंगर हुक लगाया एक, ताकि हम इसको हैंग कर सकें। ठीक है, अब ये देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है कि कट करके आप पहले इसके कनेक्शन करेंगे, उसके बाद आप इसका पेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस होने होगी। और साइज आपको प्रॉपर लेना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ में आया होगा कि हम कैसे नियॉन साइन बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, पर बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।